वेलकम टू डॉट 247, आपका स्वागत है। और मैं सुरेंद्र सोलंकी आपके साथ आपके आज के सेशन को लेके आया हूँ आपके साथ। तो भाई, जो बच्चे भी अभी तक ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं, वो सारे बच्चे फटाफट से ऑनलाइन जुड़ जाइए सबसे पहले, जिससे हम सेशन को आपके को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए आज होने वाला है, दादा आपको मैं आपको जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम लोग आज कवर करने वाले हैं आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन पर। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लासेस हमारी अटेंड नहीं की हैं, ठीक है, तो भाई वो सारे बच्चे क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो, क्योंकि हम अपने लाइव सेशन में आपके आने वाले हैं। और उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरआरबी पीओ में इसको फोकस करते हुए, आरआरबी क्लर्क को फोकस करते हुए, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो डीए डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे पास अगर हमें एक पेड बैच मिल जाए तो सर हम पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए भी पेड बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा 70% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, सारे बच्चों से, कि सारे बच्चे उस बैच को लाइव पेड जो बैच बन रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं जो है आपकी मंडे टू वेनेसडे 1 बजे, ठीक है। टाइमिंग क्या है हमारी क्लासेस की, 1 बजे है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट से भाई लिंक को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे कौशल है, किरण है और पिंकी हैं मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, काजल चौधरी जी हैं, मोहित हैं, रुचिता है, मनप्रीत हैं, विक्की हैं। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सेशन को फटाफट से शेयर करिए भाई, जितने इतने बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो सेशन को शेयर जरूर करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को मेरी राम राम, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये रहा आपका, अच्छा ये देखो लिंक भी है भाई, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये बैच का लिंक है, जो डायरेक्ट आप उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा हमारे स्टोर अड्डा पर, राइट। समझ रहे हैं आप, जो स्टोर चैनल है हमारा वहाँ पर आपको इस लिंक के माध्यम से आपको जो है लिंक मिलेगा, बैच मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से इसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको कि अगर आप Y184 कोड यूज़ करते हैं, ये मेरा कोड है, इस पे आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा, 25 आवर्स प्लस आपकी क्लासेस होंगी, प्लस आपको इसमें प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, क्वेश्चंस होंगे आपके MCQ टॉपिक वाइज, सारे टॉपिक्स के, सारी थ्योरी के, ठीक है। 23 अक्टूबर से शुरू होगा बैच ये, लेकिन ये डिस्काउंट आपको आज ही के लिए है, या हो सकता है कल तक हो, वो आपको लेट टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए पहले आए और पहले पाएं बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी का बच्चे का कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो वो मेरे से पूछ सकता है, मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, किसी बच्चे का कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का। मैंने अपना फोटो हाइड कर दिया है जिससे कि आप लोगों को डेटा को स्पीड लेने में दिक्कत ना आए आपको पास, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून माधवी, विकास, पूजा, काजल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन फिजिकली टच, जिन्हें आप लोग सर फिजिकली टच कर सकते हैं वो पार्ट आपके क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाते हैं या डिवाइस कहलाएंगे या पेरिफेरल या फिर एन एप्लीकेशन या फिर नन ऑफ दीज। बेटा लेट स्टार्ट नहीं है मेरा सिलेबस, जो कोर्स है वो आपको मैं फिनिश करा दूंगा टाइम से आपके एग्जाम से पहले, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आप इसकी टेंशन मत लो कि लेट स्टार्ट हुआ है, बस आप लोग आकर के ज्वाइन करें और उसका फायदा उठाएं। तो भाई यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए फर्स्ट आंसर बनेगा आपका, हार्डवेयर। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेट इन द, यानी कि सर वो कंपोनेंट जो आपके सारे के सारे स्टोर होते हैं उस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं या स्टोरेज कंपोनेंट कहते हैं। जितने बच्चे भी ऐसे हैं सर जिन्होंने तो सेशन को शेयर नहीं किया भाई, फटाफट से शेयर करो, लाइक करो और जल्दी जल्दी ठोक दे जाओ फटाफट से भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। यहाँ पे हम काफी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आपके हार्डवेयर टॉपिक को लेकर के। तो भाई यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, जय महाकाल भैया, जय महाकाल, ठीक है भैया। आज तो भाई मंडे भी है,
महाकाल का दिन है तो भाई जय महाकाल। तो भाई यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, सॉरी सी बनेगा, सिस्टम यूनिट। जो बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं वो सही आंसर है। बेटा आप लोग जो आंसर लगाते हो ना सी या डी या बी, तो आप यहाँ पे लिखिए टू का सी या फिर टू का डी, नंबरिंग जरूर डालिए आप क्वेश्चन के आगे, नंबरिंग डालें आप। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेयर मोजन फोर मेजर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। जो चार मेजर फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के वो आप लिखिए यहाँ पर। प्रोसेस, इनपुट, क्या होता है सबसे पहले आपका, चार सीक्वेंस बनते हैं आपके सर। तो सिस्टम में सबसे पहले आप क्या करते हैं भाई, इनपुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस होती है एंड देन आउटपुट। ये तीन तो आपने सुने ही होंगे आपने, इसमें तीनों सेम कहाँ पर है, यहाँ पर है, और लास्ट में क्या होता है स्टोरेज। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर डी बन जाएगा। थर्ड का आंसर जो बनेगा राइट आंसर वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आई होप मेरा वॉइस, मेरा वीडियो आपको प्रॉपर क्लियर होगा। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लाइव हैं स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर विवेक विकास का भी आ गया है और डी दिया है उन्होंने, प्रदीप का, कुलदीप का, माधवी का, सबका वन सौ आंसर मेरे पर डी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं ना। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, फटाफट से आंसर दीजिए भाई यहाँ पे मेरे को। तो भाई यहाँ पे आंसर मेरे को मिल रहा है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका भाई फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, देखो ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन आपके बहुत ईजी आएंगे, है ना, 10 क्वेश्चन आपके थोड़े से मॉडरेट रहते हैं और 10 क्वेश्चन थोड़े से और डिफिकल्ट होते हैं और लास्ट के 10 क्वेश्चन और डिफिकल्ट होते हैं। यानी कि इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। 10-12 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, जिन्हें आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर दोगे, लेकिन सर आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन पूरे करने हैं, उसके लिए आपको तो सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा सर, फोर्थ का बी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर पॉइंट ये है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, 5। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है या रीड एक्सेस मेमोरी है, रीड अर्थमेटिक मेमोरी या रैंडम अर्थमेटिक मेमोरी। महक, मैंने आपको पहले बताया था चैनल का नाम कंप्यूटर क्लास बाई सोलंकी सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। वैसे आपको पीडीएफ मैं आपको यहाँ लिंक में प्रोवाइड कराता हूँ, ये भी पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के नीचे जो लिंक आएगा उस लिंक में आपको मिलेगा, ये पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई यहां पर हमारा आंसर होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, पीडीएफ वीडियो के नीचे, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे लिंक आता है टू गेट द पीडीएफ, वहां से ले सकते हैं आप पीडीएफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल डिवाइस, इसमें से सर कौन सा आपका इंटरनल डिवाइस है ये बताना है। मॉनिटर होता है इंटरनल डिवाइस, या माउस, या सीपीयू, या हार्ड डिस्क, या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई ये बताना है कि इंटरनल डिवाइस कौन सा है इसमें से। भैया जल्दी से फटाफट से भाई शेयर करो लिंक को, जितने बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा आपका, सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो हार्ड डिस्क आपकी एक्सटर्नल होती है, मॉनिटर भी आपका एक्सटर्नल होता है, सीपीयू माउस भी आपका होता है एक्सटर्नल, लेकिन सीपीयू कैसा डिवाइस है आपका, इंटरनल डिवाइस होता है। तो आंसर क्या बनेगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल से मतलब सर ये है आपका यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटर्नल डिवाइस, तो भाई कौन सा आपका इसमें से एक्सटर्नल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 कह रहा है वो पूछ रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइस कौन सा है, तो बताइए सर राइट आंसर क्या बनेगा यहां पर आपका, एक्सटर्नल डिवाइस कौन सा बनेगा, रैम होगा, सीपीयू होगा, मदरबोर्ड होगा, या प्रिंटर होगा। तो सर ये तीनों के कैसे इंटरनल हैं, लेकिन प्रिंटर कैसा डिवाइस है आपका, एक्सटर्नल होता है। ठीक है विशाल क्लियर है, काजल क्लियर है, गायत्री, रामू, शिवानी, अंकिता, निमिषा, संजीव, ठीक है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू,
एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे सर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं, या अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं। तो सर ध्यान रखिएगा, एएलयू का जो सही फुल फॉर्म है वो होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि लॉजिकल एंड अर्थमेटिक क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने काम आता है आपका एएलयू। सीपीयू का पार्ट होता है आपका एएलयू, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन ए, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। स्पेस दिया हुआ है, इनेबल योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स। ऐसा कौन सा इसमें से कार्ड है जो आपके एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कराता है? वीडियो कार्ड है, एनआईसी कार्ड है, साउंड कार्ड है, या फिर कंट्रोलर कार्ड है? तो भाई यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखा होगा आपने जिस तरीके से आपका सिस्टम यूनिट होता है, तो वहां पर पीछे आपका नेट केबल लगाने के लिए एक पोर्ट होता है, उस पोर्ट को आप कहते हैं RJ45 एनआईसी पोर्ट। पूरा नाम क्या होता है इसका, RJ45 एनआईसी पोर्ट। यहां पर आरजे का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। क्या फुल फॉर्म होता है आरजे का, रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। क्लियर पॉइंट, यहां तक पॉइंट क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सारे? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज देयर इज सिस्टम यूनिट दैट होल्ड माइक्रोप्रोसेसर चिप, मेमोरी चिप एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। कहां पर होल्ड रखता है आपका सिस्टम यूनिट, स्लॉट में, पोर्ट में, या मदरबोर्ड, या फिर डॉटर बोर्ड, या फिर नन ऑफ दीस? रजिस्टर्ड जैक नहीं होता, रजिस्टर्ड जैक होता है सोनाली, जैक ये लिखेंगे, ठीक है। मोनिका चौहान क्लियर है, संजीव, हाँ। काजल का आंसर क्या सर, मदरबोर्ड, वेरी गुड, सही आंसर काजल आपका, बिल्कुल मदरबोर्ड होता है सर आपका। मदरबोर्ड के अलावा और कोई बोर्ड नहीं होता, फादर बोर्ड, डॉटर बोर्ड, ब्रदर बोर्ड, सिस्टर बोर्ड, कुछ नहीं होता, केवल एक ही होता है आपके सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उसका नाम क्या है, मदरबोर्ड, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहां पर, मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड पर आपके इस तरह से बोर्ड होता है आपका ये, और इस पर आपको सब कुछ मिलेगा, सीपीयू भी इसी पर होता है, हार्ड डिस्क भी लगाते हैं, स्लॉट भी लगाते हैं हम इस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। अब बात करेंगे सर हम लोग कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पर, कुछ जो क्वेश्चन बात बनते हैं हमारे। तो भाई यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सर हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस हमारे इनपुट डिवाइस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी होते हैं, और स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीस। क्या आंसर बनेगा, ऑल ऑफ दीस, क्योंकि जितने भी आपके सामने लिखे हैं मैंने, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आपके माउस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है, इनपुट डिवाइस हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस हो गए, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड आपके प्रोसेसिंग डिवाइस में आते हैं, सीडी, डीवीडी आपकी, बीआरडी, हार्ड डिस्क आपके किस में आएंगे, स्टोरेज डिवाइस में आते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा, ऑल। Which one of the following is not a input device? इसमें से कौन सा आपका एक input device नहीं है, बाकी सारे क्या है, input device है, कोई एक नहीं होता। तो भाई keyboard आपका input device है, mouse भी है, printer तो output device है, scanner भी input है। तो answer क्या बनेगा आपका, printer, option C is the right answer। Yes काजल सही answer है आपका, ठीक है। रुचिता आपका भी सही है, प्रिंटर पे आ रहा है सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहां तक, फटाफट से लिख को शेयर कर दो, जितने बच्चों ने इसे शेयर नहीं किया है जल्दी शेयर कर रहे हैं फटाफट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस, इसमें से सर आपका कौन सा आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, या फ्लॉपी डिस्क, या मॉनिटर, या जॉयस्टिक? तो भाई मॉनिटर क्या होता है हमारा, आउटपुट डिवाइस है, सीधा आंसर लगाएंगे हम लोग, आउटपुट कैसा होगा, मॉनिटर, अरे विकास कुमार जी पढ़ लो बेटा, फ्रेंड बनाने का टाइम नहीं है अभी, अभी पढ़ लो, नहीं तो फिर जो है ना कोई फ्रेंड बनेगा ना शादी होगी बेटा, रहे रहोगे पढ़े रहोगे अकेले, नौकरी मिलेगी
तो सारे काम होंगे। इसलिए पहले नौकरी लो, अपने आप फ्रेंडशिप होगी, टेंशन ले लें आप, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा अभी। तो भाई आंसर क्या हो गया हमारा, मॉनिटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इसमें से कौन सा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, माउस है, ट्रैक बॉल है, वेबकॉम है, या माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर क्या आंसर बनेगा सर? अभी सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस तो करिए बेटा, टेंशन ना लो, सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपको, बिल्कुल। अगर आप कर दोगे, सारे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। तो भाई इसमें से प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस, इसमें से सर आपका कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो मदरबोर्ड होता है स्टोरेज डिवाइस? नहीं, स्पीकर भी नहीं होता। BRD है या MSR? तो बिल्कुल BRD इज द राइट आंसर, ब्लू रे डिस्क। ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस में आता है, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB से 50 GB तक होता है, 25 GB टू 50 GB तक होता है आपका। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, वेबकैम या प्रिंटर? कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं, बताइए राइट आंसर बताइए मुझे आप। तो भाई यहां पर जो आंसर बनेगा हमारा, वो बनेगा आउटपुट डिवाइस, प्रिंट। वेबकैम नहीं होता भाई, वेबकैम इनपुट है या आउटपुट है? तो वेबकैम इज अ ओनली इनपुट डिवाइस होता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। प्लॉटर इज डिवाइस, प्लॉटर सर डिवाइस होता है, बताइए क्या यूज है इसका और कहां पर यूज होता है? डिवाइस कैसा है, इनपुट है, आउटपुट है, या स्टोरेज है, या प्रोसेसिंग है? वेब आपका, अब क्वेश्चन आपके सामने है प्लॉटर के बारे में, देखता हूँ सर प्लॉटर के बारे में बताइए जरा। जिन बच्चों को इजी क्वेश्चन लग रहा है वो बताइए प्लॉटर का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन इजी है बताइए, लेकिन आंसर बताइए इसका। 7 का आंसर दिया है मुझे बी, आउटपुट डिवाइस। ओके, क्या करता है प्लॉटर, प्लॉटर का यूज क्या होता है? ध्यान रखिएगा, प्लॉटर इज द आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर डिवाइस कैसा होता है हमारा, आउटपुट होता है, ठीक है। और प्लॉटर इज यूज फॉर लार्ज प्रिंटिंग, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग जो होती हैं उसमें हमारा क्या यूज होता है सर, प्लॉटर। यहां पे क्वेश्चन बनता है कि ग्राफिक्स के लिए सबसे बेस्ट प्रिंट क्वालिटी किसकी होती है सर? तो प्लॉटर की होती है। इन द मैटर ऑफ ग्राफिक्स द बेस्ट प्रिंट क्वालिटी किसकी होती है? प्लॉटर की होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, यानी किसी एक को छोड़कर के सारे कैसे हैं आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो भाई यहां पर क्या बनेगा, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, प्रिंटर कैसा है आपका, आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन जो है वो डिवाइस सर कैसा है, इनपुट है, आउटपुट, या बोथ, या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए सर। मैं समझता हूँ सब बच्चों ने देखा होगा टच स्क्रीन को, टच स्क्रीन जो यूज करते हैं हम लोग ATM कार्ड मशीन वगैरह पर, वहां पर आप देखोगे तो सर ये डिवाइस इनपुट है, आउटपुट है, या बोथ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, क्या बन रहा है आपके अकॉर्डिंग? काजल का बताया बोथ, ओके, यानी दोनों होता है। ऑल ऑफ दीज भी बता रहे हैं कुछ बच्चे आंसर हमें, दिस इज बोथ, इनपुट होता है, ओके, वेरी गुड। जितने बच्चों ने बोथ बताया है वो आंसर सही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इनपुट एंड आउटपुट वाले दोनों कैसे होते हैं सर आपके, टच स्क्रीन जो है आपका बोथ होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज मीडियम, इनमें से सर आपका कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं होता? तो हार्ड डिस्क है,
स्टोरेज मीडियम है सर, बिल्कुल। फ्लॉपी डिस्क भी है, दोनों ही आपके। ये क्या है? मैग्नेटिक डिस्क, सीडी डीवीडी। ये भी क्या है? हमारे स्टोरेज मीडियम है। कौन से? ऑप्टिकल। मॉडेम इज नॉट अ स्टोरेज। तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहां पर? ई, मॉडेम। क्या आंसर बनेगा? मॉडेम। सर फटाफट से लिंक को, भाई सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। ठीक है, अब बात करेंगे सर, हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इनपुट डिवाइस पर बेस्ड होते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आपके कीबोर्ड से। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं? द कीज एंड द की इज कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर कॉम्बिनेशन विद अदर की। ऐसे सर कौन सी की होती है सर, इसमें से किसी अदर की का यूज करते हुए हम लोग यूज करते हैं? कंट्रोल ऑल्ट या फंक्शन टॉगल, डिलीट, इंसर्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक या फिर नन ऑफ दीज। श्रीकांत जी बहुत छोड़ लिए तुमने सांप, अब थोड़ा ध्यान दे लो पढ़ाई पर। ठीक है, हो गया महाकाल, अब पढ़ लो। तो भाई यहां पर आंसर बनेगा हमारा क्या? कंट्रोल एंड ऑल्ट की इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर की। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, किसी अदर की का क्या होता है इसमें? कॉम्बिनेशन करना होता है हमें। मेंस एग्जाम जो होता है बेटा ऑब्जेक्टिव होता है। द डिलीट की, नम लॉक की एंड कैप्स लॉक की आर कंसिडर्ड एज अ की बिकॉज देयर फंक्शन चेंज ईच टाइम यू प्रेस देम। तो वो की आपकी जो है नम लॉक या कैप्स लॉक, वो फंक्शन की में आती हैं, टॉगल में आती हैं, या कर्सर या कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज। भैया डिटेल क्लास जो है आपको थ्योरी कल हम कराएंगे, कल हम जो है मेमोरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कंप्यूटर मेमोरी। तो उसमें आपको डिटेल में थ्योरी बताई जाएगी। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी कवर कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से चल रही है हमारी क्लासेस, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चंस। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टॉगल की बनेगा। ठीक है, क्या आंसर बनेगा? टॉगल की। द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूजेस द विच टाइप ऑफ लेआउट। जो मोस्ट कॉमन कीज होती है सर, वो कैसा लेआउट यूज कर रही है? क्वाड्रेटिक या डवार्फ या न्यूमेरिक या अल्फा या फिर नन ऑफ दीज। तो सर आंसर बनेगा आपका क्या? क्वाड्रेटिक। सबसे जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड यूज हो रहा है कौन सा हो रहा है आपका? क्वाड्रेटिक। हाँ पूजा, इंग्लिश में क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। तो क्वाड्रेटिक सर आपका जो सबसे मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड होता है जिसका यूज किया जाता है, QWERTY, क्वाड्रेटिक इज द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड। सेलेक्ट द शॉर्टकट की टू रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के लिए हम अपने सिस्टम को, उसमें कौन सी फंक्शन की का यूज होता है? F2 का, F4 का, या F5 या F8। तो सर यहां पे आंसर बनेगा हमारा F5। शॉर्टकट की जो यूज होती है रिफ्रेश करने के लिए, F5 का यूज करते हैं। ठीक है, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो? F1, F3, F4 या F5। स्लाइड शो के लिए हम सर कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो F5 का ही यूज होता है स्लाइड शो में भी। देखो F5 का आपका स्लाइड शो में होता है यूज, रिफ्रेश के लिए भी होता है, रीलोड का वेब पेज के लिए भी करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ की आर कंट्रोल एंड शिफ्ट? कंट्रोल और शिफ्ट जो कीज होती हैं हमारी, वो एडजस्टमेंट की हैं, फंक्शन की हैं, मॉडिफायर की हैं, या नेविगेशन की होती हैं?
तो सर आपकी आंसर बनेगा सी, कंट्रोल और शिफ्ट जो है आपकी मॉडिफायर की इसमें आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू डिलीट प्रोग्राम और फाइल्स परमानेंटली, कौन सी की ऐसी सर आपके इसमें से जो आपकी फाइल या प्रोग्राम को डायरेक्टली परमानेंट बेसिस पर डिलीट कर दी हो। F5 या कंट्रोल डिलीट या शिफ्ट डिलीट या फिर ऑल्ट प्लस डी। बताइए सतीश, अंकिता, रुचिता, मस्ती, संजू, विवेक, काजल, विनोद, बताओ भाई क्या आंसर बनेगा। कंट्रोल प्लस डी। ओके, सी में जा रहे हैं बच्चे बहुत से, शिफ्ट प्लस डिलीट बिल्कुल सही आंसर है। जितने बच्चे भी आंसर शिफ्ट प्लस डिलीट लगा रहे हैं उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ की F4, F4 फंक्शन की का इसका यूज क्या होता है। F4 जो है इसका क्या यूज है। बिल्कुल माही, हम तो लगे हुए हैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए ही और काय के लिए बैठे हैं। प्रॉपर तरीके से आप लोगों को हम क्लासेस दे रहे हैं, आप कराइए, आप रेगुलर आइए, बस क्लासेस डेली होती हैं हमारी, 1 बजे होती है, वीकेंड में 7 बजे होती है। तो यार यहां पर आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, रिफ्रेश और रिपीट लास्ट एक्शन, बी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, रिपीट लास्ट एक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग बिल्कुल इस तरीके से। विच डिवाइस इज यूज फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप, भाई ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, किस डिवाइस के थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करते हैं। अक्षय, एग्जाम से पहले हो जाएगा आपका बेस्ट सिलेबस कंप्लीट, टेंशन ना लें आप, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है ना कोई, इसलिए। तो भाई यहां पर आंसर बनेगा हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने एक फाइल उठाई यहां से डेस्कटॉप से और दूसरे ड्रॉप कर दी, तो वो किससे होता है हमारा, माउस से होता है। तो माउस इज यूज फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सा डिवाइस आपका सर ऐसा है जो पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करता है हमारा, इसमें से कीबोर्ड है, माउस आपका, वेबकैम है, स्कैनर है, माउस है, या फिर ऑल ऑफ दीज। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है जो जो आपका किसी पार्टिकुलर को पॉइंट करता है, तो वो है आपका डी, माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस से होता है पॉइंटिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये तो हो गए सर आपके इनपुट डिवाइस पर बेस्ड क्वेश्चन, और भी आपके कुछ डिवाइस हैं कुछ, जैसे डिजिटल कैमरा इज अ इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है या प्रोसेसिंग है। तो वो कैमरा सर ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वेबकैम है, डिजिटल कैमरा है, या मान लो का नॉर्मल कैमरा है, कोई भी कैमरा हो वो कैसा होगा सर आपका इनपुट डिवाइस। आंख बंद करके आंख लगा देना कैमरे की, बताए तो कैमरा कैसा होता है, इनपुट डिवाइस होता है आपका। ठीक है, कैमरा कैसा डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द OCR इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। यस, बताइए जल्दी अंकिता, आंसर क्या बनेगा आपका यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है भाई, जितने ही बच्चे हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट से सेशन को भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी भी देख रहा हूँ सर बहुत से बच्चों ने लाइक और शेयर नहीं किया है, भाई इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ठोकते जाओ यार। देखो भैया, बैंकर बनना है तो ध्यान रखिएगा, IPS PO IPS क्लर्क से ज़्यादा ईजी जॉब लेना है RRB के अंदर। RRB के अंदर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ, और RRB का चांस अगर आपने खो दिया तो भाई फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मेंस के पेपर में तो भाई साहब आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर और GA
ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे आपका सिलेक्शन होना है, इन दो सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो है आपका वो आंसर बन जाएगा डी। MICR स्टैंड फॉर, MICR आपने देखा होगा सर, माइक्रो कोड इसे कहते हैं, जिसका यूज हम लोग बैंकिंग सेक्टर में करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, MICR यूज इन बैंकिंग सेक्टर टू चेक द चेक नंबर। इन कंप्यूटर सिस्टम स्कैनर इज अ डिवाइस, तो भाई स्कैनर आपका इनपुट है या आउटपुट है या बोथ, तो ध्यान रखिएगा स्कैनर का नाम आते ही क्या है आपका स्कैनर, ओनली इनपुट डिवाइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें सर कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता, माउस नहीं है, मॉनिटर नहीं है, एंटीवायरस या प्लेटर प्रिंटर या नन ऑफ दीज। यस रोहित, बताओ भाई आंसर क्या बनेगा, विक्की, संजीव, सगुन, सी, वेरी गुड, बहुत प्यारा आंसर दिया है, एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर नॉट अ हार्डवेयर, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, एंटीवायरस। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्रॉइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म, क्या है सर आपका, कीबोर्ड है, प्लॉटर है, स्कैनर है या OMR? कन्वर्ट ड्रॉइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो इसके अंदर वो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है आपके लिए, ठीक है, इसी तरीके से इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, इस तरह से हार्ड बन जाते हैं क्वेश्चन, आपका स्कैनर का ही है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, लैंग्वेज बदलती जाती है, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता, कीबोर्ड होता है, माउस भी होता है, स्पीकर है, स्कैनर है, तो स्कैनर भी होता है, बचा क्या आपके पास, स्पीकर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉयस्टिक इज अ, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, तो जो जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस में आता है। व्हाट इज द यूज ऑफ MSR, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, इसका फुल फॉर्म है MSR का। MSR मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर का यूज क्या होता है सर, टू रीड द चेक, यूज इन बैंकिंग सेक्टर, यूज टू रीड ATM कार्ड, यूज टू कन्वर्ट वॉइस इनटू टेक्स्ट, या फिर नन ऑफ दीज। ABD ऐसे आंसर मन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए आगे, 19 का से सी दिया है विनोद ने इस तरीके से, वेरी गुड, और आंसर भी विनोद आपका सही है, सी आंसर होगा, यू शुड रीड ATM कार्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRS, SRS का यूज बता दूं आपको मैं, कि जो आपकी वॉइस जो बोलते हैं उसको, वॉइस को क्या करता है, टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो SRS यूज टू कन्वर्ट योर वॉइस इनटू टेक्स्ट, फुल फॉर्म होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है सर, तो भाई सेशन को लाइक और शेयर करिए, अभी देख रहा हूँ सर बहुत बच्चे रुके हुए हैं,
लाइक और शेयर नहीं किया है भाई, शेयर करो फटाफट से सेशन को, फटाफट फटाफट। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि ये आपके लिए सेशन लेके आया हूँ और आपका पूरा दायित्व तो बनता है सेशन को, इस शो को अच्छा है बनाने का। ठीक है तो भाई, ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ है। अब सर बात करेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो द आउटपुट द टाइप ऑफ मॉनिटर लुक लाइक अ ट्रेडिशनल टेलीविजन इज कॉल्ड एज अ टेलीविजन टाइप में जो मॉनिटर आपके साथ यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, डिस्प्ले या कैथोड रे ट्यूब या फिर एलसीडी या फ्लैट पैनल या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई ऐसे मॉनिटर जो बड़े होते थे साइज में, टीवी की तरह होते थे, देखा होगा आपने पहले पुराने मॉनिटर, उसके बारे में बात कर रहा है ये। वेरी गुड, तो वो मॉनिटर हमारे कौन से थे आपके सर, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। स्पेस दिया हुआ है, लार्ज प्रिंटर यूज्ड टू प्रोड्यूस ओवर साइज पिक्चर एंड रिक्वायर प्रिसाइज कंटिन्यूअस लाइंस सच एज एसएमपीएस एंड आर्किटेक्चर प्लान्स। तो प्रिंट करता सर आपका वो कौन सा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल या मल्टीफंक्शनल प्रिंटर या प्लॉटर। लार्ज प्रिंटर सर जो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग करता है वो प्रिंटर कौन से होते हैं हमारे, तो वही आंसर बनेगा आपका यहां पर ऑप्शन डी, प्लॉटर। बड़ी बड़ी प्रिंटिंग के लिए जो हम यूज करते हैं प्लॉटर को करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा सेकंड का, डी आंसर। आगे बढ़ते हैं, डेजिबल प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, डेजिबल प्रिंटर जो किसका टाइप है भैया आपका, मैट्रिक्स प्रिंट या इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर या मैनुअल। तो आंसर बनेगा आपका इंपैक्ट प्रिंटर का टाइप होता है आपका लेजर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई डॉट पर इंच या डॉट पर स्क्वायर इंच या डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट या ऑल ऑफ दिस। तो भाई क्या आंसर बनेगा आपका यहां पर, राइट आंसर बनेगा डॉट पर इंच, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, लेजर, इंकजेट, डिजिबिल, डॉट मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दीज, बताइए सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम जो प्रिंटर यूज करते हैं वो कौन सा है। तो सर यहाँ पर आंसर बनेगा आपका लेजर प्रिंटर। ध्यान रखिए बच्चों, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो के लिंक के नीचे लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के देख सकते हैं आप, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से सर कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है। तो भाई आउटपुट डिवाइस में से क्या हो जाएगा, प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट, ये ऑप्शन नहीं है, पेपर प्रिंट आउट जो देता है वो कौन सा टर्मिनल होता है, ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे है। तो सर आपको जो पेपर प्रिंट आउट मिलता है उस टर्मिनल को क्या कहते हैं हम लोग, सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, हार्ड कॉपी टर्मिनल, डिस्प्ले या फिर प्लॉटर। बस भाई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट का सॉल्व लूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बस बने रहो एंड तक, सेशन बहुत प्यार चल रहा है, बड़े क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो भाई यहां पे आंसर होगा आपका हार्ड कॉपी टर्मिनल, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं होता, तो भाई स्कैनर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
विच वन वर्क एज अ आउटपुट और इनपुट डिवाइस, कौन सा डिवाइस आपका ऐसा है जो इनपुट और आउटपुट की दोनों तरह काम करता है, तो वो है आपका मॉडेम। मॉडेम आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी तरह काम करता है। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा साहब इसमें से आपका आउटपुट डिवाइस है? तो भाई सारे हैं, प्रिंटर भी होता है, मॉनिटर भी है, प्रोजेक्टर भी है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज। व्हाट डज स्टैंड फॉर SVGA? तो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लगाइए आंसर डी। स्पेस दिया हुआ, मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन नॉर्मली यूज फॉर नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर, तो वो कौन सा है? CRT मॉनिटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट, कौन सा सर आपका फंक्शन आउटपुट यूनिट का नहीं होता, बताइए जरा। बताइए सोनल, दीपांक्षी, अंकिता, निधि, विमलेश, मेनका, अन्नू, विवेक, काजल, संजीव, संजू गुप्ता जी, बताइए आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर। तो भाई यहां पर आंसर बनेगा हमारा, ध्यान रखना, ऑप्शन बी। ठीक है, PCI स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ऑप्शन ए में ही है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस, तो सर क्या होगा इसका आंसर? इट अलाउड अ डेटा टू बी आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर, या प्रिंट डेटा, या स्टोर डेटा। तो यहां आंसर बनेगा आपका ए। विच आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर इज यूज फॉर ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का यूज करते हैं सर हम लोग, ऑप्शन बी लगाइएगा। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज करते हैं? ऑप्शन बी। विच आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाई एक्यूरेट वेरी लार्ज ड्रॉइंग एंड पोस्टर्स, तो भाई ऐसी ये बड़ी बड़ी प्रिंटिंग जो होती हैं वो हमारे किससे होती हैं? प्लॉटर से होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच काइंड ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, तो इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है आपका, उसमें कौन सा आएगा हमारा? DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आएगा ये। बाकी आपका लेजर, इंकजेट, प्लॉटर सारे कैसे हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? DMP। विच इज द टाइप ऑफ मॉनिटर, CRT मॉनिटर होता है, TFT भी होता है, LCD भी होता है, LED भी होता है, तो ये यहां पे आप समझ आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब सर आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन किस पर बेस्ड, प्रोसेसिंग डिवाइस पर बेस्ड, उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्शन मशीन साइक्लिक, CPU की जो प्रोसेसिंग साइक्लिक होती है उसमें सही सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को फैच किया जाता है, फिर इसको अपने लैंग्वेज में डिकोड करता है सिस्टम, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है, एंड देन स्टोर। ये चार सीक्वेंस आपके सही हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं आप लोगों को, जिससे कि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इज द फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, या मॉनिटर, या प्रोसेसर। तो सर माइक्रो प्रोसेसर आपका होता है, जो आपका प्रोसेस करने में यूज होता है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, वो मेन सर्किट बोर्ड का नाम क्या होता है जिसमें आपके कंप्यूटर के पार्ट कनेक्ट होते हैं? हार्ड ड्राइव होता है, मदरबोर्ड, फादर बोर्ड, या मेन बोर्ड? तो यहां पर आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, मदरबोर्ड होता है सर आपके, जिसमें आपके सारे के सारे प्रोसेसिंग डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो आंसर लगाइएगा मदरबोर्ड।
ठीक है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ पीसी, प्रोसेसर अंटिल लिंक टुगेदर बाय द सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइनें बनी होती है मदरबोर्ड पर, उन लाइनों को क्या कहा जाता है जिसके थ्रू डेटा आपका डेटा ट्रांसफर होता है? तो उन्हें हम कहते हैं बसेस। द बसेस आर यूज टू ट्रांसफर द डेटा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बसेस। आई ट्रिपल ई स्टैंड फॉर, आई ट्रिपल ई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड नन ऑफ दीज। तो यहां पे आंसर होगा सर आपका मदरबोर्ड, ठीक है, क्योंकि सीपीयू मेमोरी कहां पे होते हैं? मदरबोर्ड पे ही होते हैं। द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेजर्ड इन, तो सर आपकी स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेजर होती है किसमें? हर्ट्स में, लेकिन किलो हर्ट्स हो या मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स, तो वो कोई भी स्पीड हो सकती है। अभी जो स्पीड हमारी आ रही है किसमें आ रही है? गीगा हर्ट्स में आ रही है। इसलिए आंसर क्या होगा? ई, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। एस एम पी एस स्टैंड फॉर, ये आपका होता है एस एम पी एस, स्विच मोड पावर सप्लाई। कहाँ है ये रहा? ऑप्शन बी, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है। व्हाट इज एएलयू? एएलयू का काम क्या होता है? तो यूज अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, या यूज टू कंट्रोल द सिग्नल्स, या यूज टू होल्ड मेमोरी, या यूज फॉर प्रोसेसिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो सर एएलयू का काम होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को हैंडल करता है आपका एएलयू। ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है सर आपके स्टोरेज डिवाइस पर बेस्ड। तो भाई इसमें बताइए कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है? प्रिंटर होता नहीं होता, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या है आपका? एक स्टोरेज डिवाइस है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज? तो सर नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज में से कौन सा है? तो सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी होती हैं आपकी, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो सारी की सारी क्या है? नॉन वॉलेटाइल में आती हैं। तो ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा हमारा? बी बनेगा। सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी होती हैं वो क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हाँ, ये कुछ यहां पे थोड़े से इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से दे रहा हूं यहां पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क, तो 700 MB होता है। फ्लॉपी डिस्क इज स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ। पेन ड्राइव सुना होगा, मेमोरी कार्ड सुना होगा, ये फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल है, मैंने टेप के या डिस्क के, बताओ एग्जाम्पल क्या क्या राइट आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल होता है आपका मैग्नेटिक पेन ड्राइव, और मेमोरी कार्ड जो है किसका एग्जाम्पल है आपका? फ्लैश मेमोरी का। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस? तो हार्ड डिस्क आपका स्टोरेज डिवाइस में आता है, फ्लॉपी डिस्क भी आता है, सीडी भी, डीवीडी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। बीआरडी का फुल फॉर्म ब्लू रे डिस्क। बीआरडी स्टैंड फॉर क्या होता है? ब्लू रे डिस्क।
इसका डेटा स्टोरेज से कैपेसिटी बता चुका हूँ आपको, 25 GB से 50 GB होता है। जितनी इस पे वाले की भी लेयर होती हैं उतना ही डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राइव लेटर ए एंड बी रिजर्व फॉर। ड्राइव लेटर ए और बी जो होता है वो किसके लिए रिजर्व होता है आपका? सीडी के लिए, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क या डीवीडी? तो ध्यान रखिएगा दोनों ही ड्राइव लेटर ए और बी किसके लिए रिजर्व होते हैं? फ्लॉपी डिस्क के लिए। देखा होगा आपने हार्ड डिस्क जो होती है आपकी, सी पार्टीशन आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, लेकिन कभी भी आपको ए और बी ड्राइव लेटर नहीं आता। आप पेन टैप लगाते हो तो जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, जे आ जाएगा, ए और बी नहीं आता। क्यों नहीं आता ए और बी? क्योंकि ए और बी ड्राइव लेटर किसके लिए रिजर्व है आपके? फ्लॉपी डिस्क के लिए। फ्लॉपी डिस्क का डेटा स्टोरेज कैसे होता है? 1.44 MB, और इसको बनाया किसने है? IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है सर, तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और हम लोग कल कवर करने वाले हैं मेमोरी का टॉपिक। मेमोरी शुरू करेंगे हम लोग, कंप्यूटर मेमोरी। ध्यान रखिएगा रैम रोम सब पढ़ाऊंगा। तो भाई Y184 ये कोड है जिसमें आपको 70% का डिस्काउंट चल रहा है आज, अगर आप कंप्यूटर मेंस का पेड बैच परचेज करते हैं तो। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे हैं जो पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सर, वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है उसमें। ठीक है, और जैसा बताया मैंने आपको, मुश्किल से ₹500 की कॉस्ट है उस बैच की, पेड की ₹500 कॉस्ट मिलेगी आपको। ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट नहीं रख पाई है मैंने अपने बैच की। और ₹500 में तो यार आप लोग पता नहीं कैसे क्या कर लेते हो। इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा और हर ही एग्जाम के लिए फायदा मिलेगा आपको। आरबी के लिए जितने भी बैंकिंग के एग्जाम हैं और भी अदर एग्जाम हैं उन सब पर आपको ये सिलेबस फायदा, आपको ये पूरा बैच फायदा आपको मिलेगा इस बैच से। ठीक है सर, तो वह सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू क्लास।